भाई, दिखाई नहीं देता क्या? ओह आई एम सॉरी, मैं जरा कुछ सोच सोच रहा था इसलिए आई एम सॉरी। अबे क्या बोला, आई एम सॉरी? अबे शंकर तू तो तूने मुझे पहचान लिया, मैं तो समझा था कि तू शहर में जाकर गांव के दोस्तों को भूल गया होगा। ए, गांव को, गांव के दोस्तों को कभी कोई भूल पाया है जो मैं भूल जाऊंगा? दे दे बैग दे। अरे दे, दे क्या करा, ठीक है यार, तेरा हाथ थक गया होगा, बोल रहा हूँ ना। ओहो चल ठीक है। अरे ठीक है, तुम शहर में रहते हो लेकिन साल में एक आध बार गाँव तो आया करो। मैं क्या करूँ भाई, बोल, अफसर तो हूँ नहीं, क्लर्क की नौकरी है। साल में एक बार या महीने में एक बार विशाखापट्टनम से गांव एक बार आने से पूरी पगार गोल हो जाती है। भाई सिर्फ माँ के लिए गांव आना होता है। तेरी बात तो ठीक है, पर रघु तो शादी की बात मुझसे ही नहीं निकालता, मैं और कितना समझाऊं उसे। अरे सुमति बहन, तुम्हारी उम्र होती जा रही है, रात को तुम्हें दिखाई भी कम देता है, खाना पकाना भी बंद हो गया, घर में बहू आएगी तो सब सुविधा हो जाएगी। हाँ इस बार जब वो घर आएगा ना तो उसे कसम दिलाकर कहूंगी, ए सुनामणि, तू कोई अच्छी लड़की देखकर कहीं बात क्यों नहीं चलाती? लड़की? हाँ हमारे गांव में एक अच्छी लड़की है, हाथ लगाए मैली होती है, रघु और उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो तू ही ये काम कर ना, जरा शादी की बात शुरू कर। लो मैं काहे को बात शुरू करूं, जो भी हो मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ और देखा जाए तो मैं रघु की मौसी लगती हूँ, उनकी तरफ से पहले प्रस्ताव आए। रघु हा? तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। ले अपने डेची ले। हाँ सुन, मेरे घर जरूर आना। हाँ अरे जरूर आऊंगा यार। जरूर। अरे सुमति बहन ये देख, भटकारा ही अपने ही घर आ गया। प्रणाम। जीता रहे। अरे गाड़ी क्या अभी पहुंची? हाँ माँ। तूने तो कुछ खाया नहीं होगा? नहीं माँ। तू क्यों परेशान हो रही है सुमति, तू चावल लगा दे, मैं घर से सब्जी लाती हूँ। हाँ। मेरे ऊपर क्यों बरस रहे हो, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या सुशीला को बांध के रखा है? मैं क्या उसकी शादी को मना करती हूँ? और किसने मना किया है? तुमने है? अब पानी सिर के ऊपर आ गया है। पहले जो भी रिश्ते की बात लेके आया तुमने कहा हम जमींदार हैं। वो क्या हमारे जैसे खानदानी लोग हैं? ओहो, अब पुरानी बातों को दोहरा के क्या फायदा है, अब क्या करें बोलो। अरे मोहंतीपुरा का रघु है ना, उसके साथ रिश्ते की बात करें। रघु? हाँ नौकरी करता है, जमीन जायदाद है, हमारी सुशीला के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। लेकिन उम्र की बात कर रहे हो ना, सब ठीक होगा। ठीक है तो फिर सुमति भाभी के सामने ये रिश्ता रखें? ये तो संयोग की बात है। हाँ। बात तो शुरू करो। बात तो करूं, सुशीला तो अनपढ़ है और यदि रघु ने मना कर दिया तो? ये लो, क्या पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, रूप है, गुण है, किसमें हमारी सुशीला कम है? तुम्हारी बात भी ठीक है, जानती हो तुम ही हो इस नाटक की असल सूत्रधार। उस समय तो कहती थी कि लड़कियों के स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी। ये लो, तुम नहीं कहते थे तब मेरी बेटी स्कूल जाएगी पढ़ाई करने के लिए? ओहो जो हो गया सो हो गया, जाने दो, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि ये शादी हो जाए। बस दुर्घटना में 85 मरे, राजस्थान में चोरी डकैती बढ़ी, नेताओं का समागम। नमस्कार मौसा। अरे नमस्कार नमस्कार रघु, बैठ 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 बैठ। और बेटा तू कहीं बाहर रहता है? मैं विशाखापट्टनम में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, और परिवार वाले? नहीं मौसा, मेरी शादी भी कहाँ हुई है। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन मैं। रघु तू आ गया? हाँ ठीक है तू चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मगर जल्दी आ जाना। हाँ 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 ठीक है।
अरे शंकर, क्या हुआ? हाँ बैठ बैठ। अरे रघु की अभी तक शादी नहीं हुई, मुझे पता नहीं था, मैंने उससे पूछ लिया इस बारे में। उसने कहीं बुरा तो नहीं माना होगा बेटा? बुरा क्यों मानेगा, अभी तक कमारा है, किसी को कैसे पता चलेगा। लेकिन क्यों, क्या बात है? क्या पता, मेरी शादी के वक्त उसकी शादी की बात चल रही थी, बाद में बात शायद कुछ बनी नहीं, तब से ऐसे ही घूम रहा है वो। अरे मैं कह रहा था बेटा, अपने सामानंद की बेटी के लिए उससे बात करके तो देख जरा तू। अब तू जा, इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे रघु भाई तुम, नमस्ते। अरे स्मृति तू, तूने शादी भी कर ली? तो क्या ऐसे ही बूढ़ी हो जाती? शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया। बेटा? समझा नहीं। मैं अभी साक्षरता मिशन में काम कर रही हूँ, यही है मेरा बेटा। अरे वाह, बहुत अच्छे। इसके लिए मेरे पति मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। सच में? तुम्हें तो पता है ये सब काम कितना मुश्किल है, इसके लिए लोगों को एकजुट करने की जितनी जरूरत है उतना ही परिवेश का अच्छा होना जरूरी है। तुम इसमें जरूर सफल रही होगी, क्योंकि तुम्हारी बातों में बहुत दृढ़ता है। अच्छा स्मृति, कभी घर भी आओ। समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी, चलती हूँ, नमस्ते। सोच क्या रही है सुमिति भाभी? लो, इसमें सोचने की क्या बात है, खुद जमींदार हमारे द्वार पे आए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है, क्यों सुमति बहन? जमींदारी, इसीलिए तो बेटी अब तक घर पे बैठी है। भाभी, तुम जाके सुशीला को देख क्यों नहीं लेती? और क्या देखना उसे, जो सुशीला को बहू बना के लाएगा उसका तो सौभाग्य होगा, मैंने उसे देखा भी है, जानती भी हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? सब रघु पे निर्भर है, बात करती हूँ। और नहीं तो क्या? उससे पूछे बिना मैं भला क्या जवाब दे सकती हूँ? भाभी तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। मुझे जरा जल्दी बता देना। हाँ। रमाकांत आओ। अरे माँ, मुंह लटका के क्यों बैठी है, क्या हुआ? क्या होना है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे कर्म का फल ही तो है ये सब। आज तू है तो मुझे पूछ रहा है। माँ, तू चला जाएगा तो फिर अकेली रह जाऊंगी मैं, बात करने के लिए भी कोई नहीं है, इसी तरह जिंदगी भर खटती रहूंगी। आस पड़ोस में कितनी हंसी है, कितनी खुशी है, कितना प्यार है। अरे माँ तो क्या कह रही है? अब तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबूजी भी चले गए, बहू का मुंह देखे बिना मैं भी क्यों आशा रखूं? ओहो, तू मेरी शादी की बात कर रही है? हा? मैं क्यों करूं भला, तू तो मेरे जीते जी शादी ही नहीं करने वाला है। अरे नहीं माँ, ये बात नहीं है, कहीं कोई बात की है क्या तूने? बात क्या है कि अभी जरा दिक्कत है। दिक्कत? नहीं मैंने, अभी मेरा नई नई जगह पर ट्रांसफर हुआ है ना, उसको साथ लेकर जाऊंगा तो वो। अभी वो तेरे साथ नहीं जाएगी, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे पास उसकी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी ना। इसका मतलब तू राजी है? तुम्हारा मन दुखी होगा, मुंह लटका के बैठोगी तो मैं राजी ना हूँ तो जाऊंगा कहाँ। बहुत सुंदर लड़की है, तू उसे देखेगा? अरे माँ, वो तेरी बहू है, तूने देखी है, मैं और क्या देखूं? अच्छे लड़के क्या अपने लिए लड़की देखते हैं भला? Thank you.
अरे सुमति बहन, रघु खुश है ना? अरे सुमति बहन, रघु खुश तो है ना? खुश नहीं होगा, इतनी सुंदर बीवी पाई है। अरे सुना मणि, अपनी बहू का नाम मैंने पता है क्या रखा है? कनक। वाह, बहुत बढ़िया नाम रखा है। नमस्कार मौसी। सौभाग्यवती रहो, चिरंजीवी रहो। अरे स्मृति, इतने दिनों बाद बुढ़ी मौसी की याद आई तुझे। क्या करूँ मैं मौसी, तुम ही बोलो, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। रास्ते में रघु भाई मिल गए थे, भाभी घर में ही है। कनक, ए कनक, स्मृति आई है। जाओ तुम दोनों बातचीत कर लो। जा। ये तुम्हारे बारे में बता रहे थे। कौन? रघु भैया। अच्छा कहो, सुबह रसोई में क्या कर रही थी? सुबह तुम्हारे भैया के लिए नाश्ता बनाया, फिर आज माँ का व्रत है तो उनके लिए अलग से खाना बनाया। अच्छा, भैया के साथ जा रही हो या यहीं रहोगी? वो जैसा ठीक समझे। तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है? अरे शंकर, देर हो गई, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जाओगे? खेल खत्म नहीं हुआ। समझे, नई नई शादी है, जाए गई। अरे नहीं भाई, नहीं, वो बात नहीं है, मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, कल सुबह जाना ही पड़ेगा। हाँ जाना तो पड़ेगा ही। नहीं बेटा, ठीक है, चल चल घर चल, मौसी से सब सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ हाँ, पता चल जाएगा, चल चल। ए, ये कमल नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लगता है, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन माने, माने तो। तुम्हारे और मेरे बीच में माँ कहाँ से आ गई? तुम कहते हो कमल, माँ और मौसी कहती है कनक। सब गोलमाल हो रहा है। ओ, सुनो, ये कनक नाम मौसी और माँ के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये नाम एंटी रोमांटिक, मतलब गांव वालों जैसा लगता है ये। अरे तुम कह रही थी कि तुम्हें एक सोने का हार चाहिए मंगलसूत्र के लिए। हाँ, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, चंपक क्लॉल एंड कंपनी ज्वेलर्स, नीम चौड़ी कटक, टिंग टोंग। लाएंगे कैसे? क्यों, हम दोनों कटक जाएंगे? कब? कल। अरे कल तो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, कल निकलूंगा तो परसों नौकरी ज्वाइन करूंगा। तुम कल चले जाओगे? अरे रे 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 रे, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें गंगा जमुना की तरह भर आई हैं? हाँ। अरे बाबा, मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा क्या? आगे दशहरा की छुट्टी है। लेकिन मुझे अकेले यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। अरे बाबा, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा ना। चिट्ठी? हाँ चिट्ठी।
लेकिन मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगी कैसे? चलता हूं मां। कनक, ए कनक, तेरी मौसी आई है, पानी तो लेके आ जरा। चिट्ठी चिट्ठी। आपकी चिट्ठी। बहू को रघु ने चिट्ठी भेजी है सुमति बहन। हाँ भेजी होगी, मुझे तो सिर्फ मनी ऑर्डर भेजता है। अरे हाँ, अब तुम्हें क्यों चिट्ठी लिखता? तुम्हें कौन सा पढ़ना आता है? हाँ और नहीं तो क्या, उसका क्या हाल चाल है बहू खुद ही बता देगी। क न क नहीं नहीं क म ल ओफो, पता नहीं क्या लिखा है। चंपकलाल एंड को ज्वेलर्स नीम चौड़ी कटक टिंग टॉप। क ट क, ये तो क है लेकिन ये दोनों क्या है? ओफो, स्मृति सुनो। भाभी और भाई की कोई खबर? आओ अंदर चलते हैं। क्या हुआ भाभी, ऐसी परेशान क्यों हो? ये जरा पढ़ना। क्या है ये? चिट्ठी है तुम्हारे भैया की। भैया की चिट्ठी? मतलब तुम्हारे लिए पहली चिट्ठी? हाँ। ना बाबा ना, मैं नहीं पढ़ूंगी, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम हमारे केंद्र में चलो, वहीं पढ़ाई करो, फिर चिट्ठी पढ़ना। मेरी क्या इच्छा नहीं है, लेकिन माँ क्या मानेंगी? क्यों नहीं मानेंगी, गांव की सब बहु बेटियां पढ़ती हैं। तुम इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, ये दायित्व मेरा। अरे स्मृति, मैंने भी तो पढ़ाई नहीं की, समय भी निकल गया, अब कनक पढ़ के भला क्या कर लेगी। तुम्हारा समय अलग था मौसी, आज समय बदल गया है। औरत सिर्फ चूल्हे में खटने और अंधेरे में भटकने के लिए पैदा नहीं हुई है।
तेरी बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। देखो मौसी, रघु भाई जब मनी ऑर्डर भेजते थे तुम अंगूठा लगाती थी, इसीलिए वो चिट्ठी नहीं लिखते थे कि तुम पढ़ नहीं पाओगी। वो नई बहू है, तुम्हारे केंद्र जाएगी तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। वो दायित्व मेरा, तुम सिर्फ हाँ कर दो मौसी। देखना, कनक तुम्हारी सुंदर बहू नहीं पढ़ी लिखी बहू बनेगी। हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो तुम। तो फिर मैं चलती हूँ मौसी। ठीक है भाभी, कल से तुम हमारे केंद्र की छात्रा हो, लेकिन ठीक समय पर स्कूल नहीं आओगी तो नाम काट दूंगी। और ये चिट्ठी? वही हमारे शिक्षा केंद्र में, भाई ने जो मीठी मीठी बातें तुम्हारे लिए लिखी होंगी वो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। बहुत दुष्ट हो। चल चल घर अमर, ये हमारा घर है, ये घर हमारा, तुम्हारा हमारा, गांव बहुत सुंदर है, गांव में हमारे एक बाजार है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, चारों ओर पानी है, बुढ़िया तेरी नानी है। जीते रहो। और बेटा सब ठीक है ना? हाँ मौसी। हाँ बेटा, भीतर जा। अच्छा माँ। अरे तू? हाँ मैं। तुम्हारे साथ कोई बात नहीं, बातचीत बंद। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में इतना काम है, तुम्हें चिट्ठी लिखने का भी समय नहीं मिला। स्मृति से सब कुछ सुन चुका हूँ मैं, आते हुए रास्ते में उससे मिला था, वो कह रही थी। क्या कह रही थी? यही कि तुम पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाती हो, कितनी मेहनत करती हो, यही बातें। सच्ची कमल, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। छोड़ो भी, मैं माँ का एक जरूरी काम करके आती हूँ। अरे सुनो तो, मेरा काम बहुत जरूरी है ना। अब हाँ
नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहू लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुट विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन्नति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अंधन दिना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधे आवे, रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि ससन।